अस्सलामु अलैकुम, रमजान रमजान मुबारक। मुबारक, खैर मुबारक। अरे भाई, कल रमजान है। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। मेरे बच्चे के साथ मेरा पहला रोजा हुआ कल। दादा पोते का भी पहला रोजा है भाई कल। हमारा भी पहला रोजा है। कल के भूलेगा, ये लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे भाई? ये तो सारे भूखे, ना कोई पानी पी रहा है, ना कोई। मेरा बच्चा जो ना जिसको भूख लगे ना रोजे की बासी का दूध पी रहे हैं। दूध पी कर रोजा रखेगा ये? दूध पी कर रोजा रखेगा। उंगलियां छोड़ो, उंगलियां छोड़ दो यार, हमें भूख लग जाएगी। तुम ना अगर उंगलियां खाई हमारे रोजे में। अच्छा, अब जो है हमारा रोजा वो सऊदी के साथ हुआ है, दुबई के साथ भी हुआ है, मतलब ईद भी साथ होगी। हाँ, उनके साथ ही होगी। उनके साथ होगी, क्या पता वो पहले कर दें। अब तो ये चांद पे ही होता है डिपेंड। तो आप लोग तो नानी के गए हुए थे, ये क्या लिया है? अरे भाई, इसमें थोड़ा कम मसाला है, ट्राई करके देखते हैं आज यार। पापा को ज्यादा ही खुशी हो गई। अम्मा भी जान नहीं लगा इसकी, जो दिखाएगी पैसे वो भी सारे मैंने रखे हुए सेव करके। अगर मुझे दे देना, ये देना। तो अभी फिक्स 12 हो रहे हैं और सहरी हम करेंगे 3 बजे के टाइम। 4 बजे या 4:30 बजे तक रोजा बंद हो जाएगा, मतलब के सहरी बंद और रोजा शुरू। तो आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। और ये पहला व्लॉग है रमजान का, हमारे पूरे 30 दिन रमजान की सीरीज चलती है। वैसे तो पूरे ही साल डेली व्लॉग करते हैं हम, रमजान के जो होते हैं ना वो व्लॉग ज्यादा स्पेशल होते हैं। इसमें कोई साउंड नहीं होता किसी भी किस्म का, समझ रहे हो ना, कि जो गाने वाले बजते हैं पीछे से तो वो नहीं होंगे। बाकी टिंग पोंग पोंग कॉमेडी पे वो लगेगा बस, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो काफी मजा आने वाला है। और घर में किस तरह से हम अफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, वो सब इन्हीं व्लॉग में आपको मिलेगा। सो वेलकम बैक टू दी न्यू रमजान मुबारक यार, मुझे बता दे नहीं व्लॉग। आटे की तैयारी। कितने सारा आटा डलेगा भाई, पराठे बनेंगे आज, पराठे। और खाने में क्या है आज? हाँ, पहली सहरी हमारी बाहर से हो रही है। देखो, स्टार्ट ही हमारा बाहर खाने से हो रहा है। तो क्या एंड भी बाहर खाने से होगा या बस इसके बाद घर से खाने बनेंगे मॉम? क्योंकि मैं तो सहरी में घर के खाने पसंद करता हूँ। और सबको भी यही बोलूंगा कि बाहर से कम खाएं, घर के खाने ज्यादा खाएं। वो तो आज पहला था ना, इसलिए। ओ, पता भी तो नहीं था हम लोग को। हाँ, ये भी बड़ी वजह है कि हमें पता नहीं था कि भाई आज रोजा होगा या नहीं होगा, इसीलिए हमने फिर डायरेक्ट अर्जेंटली बाहर से मंगाया कि भाई निहारी मंगा लो, वो ही खा लेंगे। आई थिंक 2 घंटे रह गए सहरी करने में। 5:15 बजे होती है अजान। 5:15 बजे होगी, पिछले साल जैसे तरह हुई थी 4:30 बजे, 4 बजे, लेकिन अब थोड़ा लेट है इस बार लेट। क्योंकि अब अगर मेरे पुराने पिछले साल वाले व्लॉग देखो ना, तो उसमें हम लोग 4:30 बजे तक एंड कर देते थे भाई सहरी। इस बार थोड़ा जल्दी रमजान आ गए यार, क्योंकि रमजान भी ना हल्कल के करीब होते जा रहे, करीब होते जा रहे, करीब होते जा रहे। कभी जनवरी में भी आएंगे, फरवरी में आएंगे, इस साल जो है वो मार्च में शुरू हो गए। अबे टोपी लगा ली तूने अभी से क्या? अबे मेरी टोपी किधर है? मुझे भी लगानी है, मैं तो भूल गया भाई, तेरी गांव पे वो ही देख। अबे मैं भी निकालूंगा अभी, सबर कर सबर। की टोपी मेरी तो कहां, किधर है भाई? भाई मेरी टोपी मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे? डमांडस तो यार, मेरी टोपी नहीं मिल रही। वेयर इज माय टोपी यार? यार ब्लैक वाली मिल गई, ब्लैक वाली पहन लूं क्या गाइस? वैसे आप लोग बोलते हो मास आप पे ब्लैक भी अच्छी लगती है, तो ब्लैक पहनते हम यार। हाँ भाई, ब्लैक भी अच्छी लग रही है। हम अब वाली टोपी नहीं, अब हम वाली टोपी पहनेंगे ब्लैक। अभी उठे मैं, सोई नहीं आज, सही करके सोई नहीं, पहले रोज सही करके टोपी हम दोनों लगा ली। डमांडस और मैंने लग गई। इस दफा ब्लैक है ग्रे? इस दफा ग्रे, ब्लैक। पिछले साल ग्रे थी मेरे पास, इसकी तो 2 साल पुरानी टोपी है। अच्छा, अरे वाह भाई, अपनी दिखा अपनी। अब मेरी भी अच्छी है, तेरी भी अच्छी है। अब यही रहेगा, अब इसको भी रख दूं, पैक कर दूं। पापा बोले भाई कैप जो ना बाहर ना दिखाओ, इसको पैक कर दो कमरे में, 30 दिन बाद पहनेंगे। अब तेरा भी रख दूं, मेरे पास तो इतने सारे कैप हो गए भाई, इतने सारे जमा कर दिए कैप। एक तो बहुत सारे मेरे ब्रांड के हैं भाई, देखो अलग अलग डिजाइन के। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब ये भी ऐड होगा इसके अंदर। चलो, और बासिल महाराजे भी उठे हुए हैं भाई, और ये पोम वोम सुन रहे हैं भाई, और इनको पता लग गया कि आज सहरी है, तो ये सो नहीं रहे, वरना तो 1 बजे तक सो जाते हैं भाई। सहरी करके सोना है क्या? बासिल की रोजा देख लो यू सब्सक्राइबर्स को। ये पता क्या देख रहा था? ये लाइट देख रहा था, ये लाइट कहाँ से आ रही है? टाइम जो है वो 4:15 हो चुके हैं, और देख सकते हैं आप माशाल्लाह भाई, पहली सहरी का आगाज हो चुका है, वो भी पापा ने कर दिया है। पापा सबसे पहले बैठ गए, आपको ज्यादा भूख लगी है, पापा कब से रोक के रखे हुए थे कि मैं सहरी करूँ सहरी करूँ। रेडी हो सहरी करने के लिए? रोजा रखना है? yes. एक रोजा नहीं छोड़ना, पिछली बार तुमने रोजा छोड़ा था क्या? नहीं, तो इस बार भी नहीं छोड़ना है, पूरे 30 रोजे रखने। आज की रोटी मेरे ख्याल से भाभी और मम्मा की चल रही है। हाँ मम्मा, क्या बन रही है? चीजी पराठा। चीजी अंडा? क्यों, हमने तो नियारी मंगाई थी। फरिया फरिया चीजी अंडा शुरू करे तूने खाना? फिर चीजी अंडा चलेगा। बासिल गाय, बासिल सो रहे है, बासिल अफ्तारी करेगा हमारे साथ, सहरी में सोया करेगा। प्लेट प्लेट पहली सहरी करने लगे हम। ये 30 रोजे कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता भाई।
आजा आजा आजा, कौन सा कौन लेगा भाई ये बता दो पहले। पहले पराठे पे लड़ाई होती थी ना, बड़ा वाला मुझे दे दो। बड़ा वाला तुम्हें दे दो, चलो बड़ा वाला तुम ले लो। पहले छोटे पराठों पे लड़ाई, क्योंकि हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग कम खाते थे, तो अब बड़ों पे और ये बड़े हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो हो गए थे खाना, दूसरा है लस्सी जो कि हमारी परमानेंट होती है हर शहरी में, और तीसरा ये भी परमानेंट है जो कि पापा और मैं, और कौन खाता है, और कोई भी अच्छा कभी कभी खाने वाले हैं, बाकी पापा और मैं तो रोज ही खाते हैं। ये भी आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेरी मेरी डन, बाकी जैसे जैसे सब करते जाएंगे तो एक एक करके उठते जाएंगे। नियत करवाओ मम्मी, अभी नहीं, अभी ऐसी बता दो। टमाटर मिंडस करने लगा है भाई रोजे की नियत, और करने नहीं लगा मम्मा से, मैं सुन रहा हूँ। टमाटर मिंडस का थोड़ा सा रिमाइंडर करवा रहे, वबी सौमी गदिन नवई तुम मिनशार रमजान, यस। लेकिन आप पढ़ते हो तो फिर इसके बाद से आपका रोजा शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं? बता रहे अभी, बता रहे। अच्छा बता रहे हो अभी, वरना अगर खुद से नियत करो ना तो फिर उसके बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि नियत आप खुद कर रहे हो। अभी तो हमने तुम्हें बताया है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे। वजू मैंने कर लिया है और अब अजान का वेट कर रहे हैं, और अजान से पहले पहले हमें पानी पीना है और नियत भी करनी है, ठीक है? जब अजान हो जाएगी तो फिर समझो रोजा शुरू हो जाएगा, और फिर नमाज पढ़ के हम सो जाएंगे। अबे 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 छोड़ दे, अबे अबे पानी मुझे पीना है, गिलास 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 भाई, सायरन बज रहा है, अबे हट जा, एक ही गुड़ पीऊंगा। वो भी सौमी गदिन नवई तुम मिन शारी रमजान। वैसे दिल में भी नियत कर सकते हो आप, और मैंने तो मुंह से कर दिया क्योंकि व्लॉग बना रहा हूँ मैं। तुम लड़ने नहीं आए आज, अबे नहीं मार, तुम लड़ने नहीं आए आज। नींद आ रही है मुझे। ओ भाई नहीं, सो जाओ सो जाओ, तुम यही सो जाओ। ए तूने पानी पहले भी लिया था क्या? सो भाई अब मिलते हैं सुबह उठकर इंशाल्लाह। अबे बारिश हुई नीचे आज, मौसम भी बड़ा क्लियर हो रहा है यार। नहीं नहीं नहीं, बादल ही बादल है। मैं भी उठ गया हूँ भाई, और फ्रेश फ्रेश होके नमाज पढ़ी मैंने जोर की, देन उसके बाद फिर व्लॉग खोला। मैं तोतों को देख रहा था यार, तोतों को पानी वानी मिल गया है, क्योंकि हम तो पानी नहीं पी सकते तो इनको मिल जाए यही बहुत है, पानी शायद इनका फुल है। तो बासिल भी अभी उठ गया हुआ, तो चलते हैं बासिल की तरह। पापा के मुन्ने ने क्या पहना है भाई, कुर्ता कुर्ता पहना है पापा की तरह। पापा का तो रोजा है, बासिल का भी रोजा है। रोजा खुशाई के लिए हार मंगवाऊंगी छोटे। अभी तो दूध पिया था, ये बड़ा दूध। नहीं नहीं नहीं, इसे दूध पिया है, जिस दिन इसने दूध नहीं पिएगा उस दिन इसको रखवाएंगे रोजा हम। शेरी लेट करी इसने, जो भी है ऐसा नहीं होता। उठा है तो शेरी इसकी अभी हुई है। बासिल रोजा रखा है, मम्मा को देख रहा है। अच्छा अब ये ना थोड़ा देखने भी लगा है, अभी एक बार नजर देख रहा था ना किसी को, तो उसको देखता रहता है। चलो इनको थोड़ा सा वॉक करा देता हूं भाई यहां पर, इन्होंने जरा बारिश भी नहीं देखी होगी, थोड़ा बाहर लेके चलते बारिश दिखाते हैं। अरे महाराजा वेलकम वेलकम, रमजान मुबारक। आहा क्या खुशबू आ रही बारिश के पानी की। आपने बाहर जाना है? बाहर ही तो आए हुए, घर से तो बाहर है ना। नहीं घर से बाहर है, घर से बाहर, बस घर से एक बार भी कदम बाहर रखो घर से बाहर हो जाए, बड़ा हो जाएगा फिर लेके जाया करेंगे, फिर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए करेंगे। अभी तो उसको बाहर अकेले ले जा नहीं सकते, अगर ये साथ हो या टमाटर साथ हो तो फिर ले जा सकता हूँ। अच्छो अच्छो, अगेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो सहरी का प्रोसेस हो रहा होता है वही अफ्तार का प्रोसेस, या उससे भी ज्यादा होता है अफ्तार में, क्योंकि अफ्तार में बहुत सारी डिशे होती है। सहरी में तो एक सालन बनाना होता है, पराठा बनाना होता है, अफ्तार में तो डिशे ही डिशे। बाबा भी आ गए, जाएंगे तो घर में काम शुरू हो चुके हैं। क्या क्या बन रहा है और कौन क्या क्या बना रहा है? भाभी आप क्या क्या बना रही हैं आज? अभी तो बस बैठे हैं, कुछ भी बन जाएगा। आप? मैं सालन बनाऊंगी, आलू की चाट बनाऊंगी और देखें क्या। और आप? मैं शायद फ्रूट चाट बनाती हूँ बस, दो भी शायद, एक कुछ भी और एक सालन वगैरह, और एक जो है वो फ्रूट चाट बना लेती हूँ। आज क्या बना रही हैं आप? बासिल को सुला रही हूँ, आराम से काम करेंगे। सब ने उल्टे जवाब दिए, सबको रोजे लग रहे हैं क्या? मैंने बासिल को सुलाना है, सब काम करेगी ना। लेकिन आप बना क्या रही हो ये पूछ रहा हूँ। मैं अभी कुछ भी नहीं बना रही। अच्छा आज कुछ भी नहीं बनाना, ये सब बनाएंगे। सो यस, तो मॉम की जो ड्यूटी है वो हमारे पिछले दो रमजान में थी, अब मॉम ने खत्म कर दिए, तो दो बबू आ गई ना, बस ऐसी जो बहुत सन्नाटा हो रहा है, मतलब लोग ही नहीं है, दुकानें भी सारी बंद है। ये दुकानें खुलती क्या पता आपको? असर के बाद, क्योंकि सब जो लोग है ना वो असर के बाद से चीजें लेना शुरू करते हैं। तो मम्मी बोली थी फ्रूट ले आओ, मैं नीचे हल्का सा गया ना, अभी मैंने ब्लॉक के बगैर गया था, तो मैं गाड़ी वाली निकाली देखकर आया, सारे ठेले बंद, सारी दुकानें बंद, तो मैंने बोला ठीक है यार असर के बाद जाएंगे। असर होने में 2 घंटे हैं अभी भाई, छोटे महाराजा उठ चुके, इनको खिलाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर तो सारे ही काम कर रहे हैं ना, तो बासिल के संभालने की रोटी पापा की। आहा इधर देखो भाई, तंग नहीं करो ना यार, खाना बना रहे ना घर की लेडीज, तो आप तंग नहीं करा करो उनको, ठीक है? अभी आपको चाहिए कि अभी भी आप सो जाओ, सिर्फ अफ्तारी मोटो बस, सहरी में और पकाने के टाइम सो जाया करो।
खुल जा सिम सिम, ऊपर से कोई देख तो नहीं रहा, खुल जा भाई। ये जो है ना ये चीज प्रॉम हम लाए थे कल, और ये आज हमें करनी थी सरप्राइज, जो कि आज हुए रमजान और रोजा। अभी 5:30 हो रहे हैं और मेरा इस टाइम तक व्लॉग आ जाता है, और आज मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि वो वाला व्लॉग जो है ना उसका टाइटल ही प्रॉम वाला है, तो सरप्राइज खराब हो जाएगा, घर वाले पहले ही व्लॉग देख लेंगे। तो मैं रोजे के फौरन बाद डालूंगा व्लॉग प्रॉम वाला, देन उसके बाद दूसरा व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा जिसमें हम सरप्राइज करेंगे, ताकि उनको पता ना लगे और बिल्कुल रियल रिएक्शन हो। और गाड़ी में फिर निकाल के लेके जाएंगे ऊपर, तो अभी चलते हम लोग फ्रूट लेने। और मेरे साथ कोई भी नहीं है इस टाइम पे, देख सकते हैं आप भाई, सबके रोजे हैं, सब बिजी हैं। भैया अडो भाई गए हैं अपना, और फरिया भी पढ़ रही थी नमाज वगैरह, मम्मा सब्बा सब काम कर रहे थे, तो अकेले ही करना पड़ेगा। तो आज का रोजा मेरे साथ अकेले गुजार रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर हम देखा करेंगे कि भाई कौन कौन हमारे इस रूटीन में आता है, क्योंकि रूटीन मैंने आपको बताया ये रेगुलर रूटीन से बिल्कुल चेंज रूटीन होती है रमजान की, जो 30 दिन की होती है, लेकिन बड़े मजे की होती है। तो लेट्स गो, चलो। ये कौन नीचे आया है? पापा आजा आजा आजा, मैं बोल रहा हूँ चल रहे साथ फ्रूट लेने में। मैं वो लिया हूं ना, रेबड़े लिया। अच्छा आप और चीज लेकर आ रहे हैं, बास्कुल के जा रहे हैं? दादा के साथ घूमने जा रहे हो? फ्रूट वाला भी आ चुका है। ओके भाई गाड़ी पार्क, लेट्स गो। अरे 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 भाई बारिश हुई ना, कीचड़ ही कीचड़ है सारा, जो जो है ना सब थोड़ा थोड़ा निकाल दो। मीठा निकालना, तरबूज तो मेरे फेवरेट है, तो मैं चेक करके लेता हूँ। पहले यू यू मारोगे भाई किसमें ज्यादा पानी है, कौन सा ताजा लग रहा है आपको। भाई तरबूज कट रहा है हमारा, यहाँ पर देखते हैं लाल निकलता है या नहीं निकलता। आए ओए होए होए होए, थैंक यू भाई थैंक यू। थोड़े थोड़े से मतलब समझो मैंने 1-1 किलो लिया सब कुछ। ये जो है ना ये 5-6 किलो आ गया लाल के चक्कर में, अब लाल है लाल के चक्कर में लेना पड़ा। या नबी सलाम अलैका, रोजा है साइकिल चला रहे हो हाँ थक जाओगे। अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह, रच छड़ो रच छड़ो रच छड़ो, असर खत्म देखा और रश शुरू। भाई हॉर्न सब जगह से मोड़ने की भी जगह नहीं है गाड़ी, यार कहाँ से बंदा गाड़ी मोड़े। पहुंच गया भाई घर, सामान सामान सारा सारा। ओए छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पकड़ो 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 भाई, बहुत रश है। क्या हो रहा है क्या हो रहा है? अबे भाई ऐप ऐप क्या देख रही हो? ऐप ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत सामान रह गया था और मुझे सामान लेना था, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ कौन सी अच्छी ऐप है जहाँ से मैं सामान मंगवा सकूँ। ये देखो मैंने तुम्हारे मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है सेव योर, हाँ ये तुम्हें देगी हर शॉपिंग पे कैश बैक। इसी ऐप में एक चीज और दिखाऊं, ये देखो मैंने शॉपिंग की थी और मुझे 4,000-4,500 कैश बैक भी मिला है। अब तुम भी शॉपिंग करो और कैश बैक लो, वो भी घर बैठे या इन स्टोर। तो गाइस सेवियर की मजे की बात यही है, अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपके कुछ पैसे आपको वापसी मिल जाते हैं, जो कि ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आपके वॉलेट में आ जाते हैं सेवियर के, और आप उसको इजीली बैंक ट्रांसफर करवा के अपने अकाउंट में भी ला सकते हैं। इस रमजान जहमत कम और रहमत ज्यादा, तुम्हारी सेविंग भी हो जाएगी। अरे तुम्हारी क्या, मेरी ही होनी है सेविंग। तो चलो अब तुम फिर इसी से शॉपिंग कर लिया करो, बाहर भी कम जाना पड़ेगा ना भाई को। मेरे पैसे जो बचे ना ये तुम अपने पास ट्रांसफर नहीं कराना, ये मैं ही करवाऊंगा। हटो हटो, दो 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 दो, सर देख लो तो वैसे आए कितने, 4,650 रुपए भाई। इससे मैं बासी की डायपर और दूध मंगवा लूंगी ना, आपके ना मेरा। एक काम करूँ ना, यही पैसे फिर इसी में लगा दूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया, कैश बैक हो रहा है और आप एक्स्ट्रा भी कर सकती हो फिर। अरे भाई मजे ही मजे, मेरा तो बड़ा ही फेवरेट ऐप है ये सेव योर, और मैंने काफी डाउनलोड किया, भैया के मोबाइल में किया हुआ है, अपने मोबाइल में किया हुआ है, और सबके मोबाइल में भी अब कर दिया। भाई ये लड़की को समझाना तो बड़ा मुश्किल हो गया था, अगर आप भी चाहते हैं सेविंग करना तो मेरे नीचे दिए गए हुए लिंक पे जाके क्लिक करें और डाउनलोड करें। अगर आप साइन अप करते हैं न्यू अकाउंट को तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 250 रुपए। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है भाई, आप लोग डाउनलोड करो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे, अपने फूड आइटम पे मजीद पैसे अगर बचाने हैं तो। समोसे बन चुके हैं यहाँ पर, यहाँ चाट बन रही है और यहाँ न्यूज देखे जा रही है। यही चलेगा भाई, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, क्योंकि इस टाइम सभी घर में होंगे तो यही तो मजा है ना कि सब घर में होंगे, सबका पता लगेगा भाई सब क्या कर रहे हैं। अबे टमाटर तेरा बताऊंगा, तू तो सिर्फ मोबाइल यूज कर रहा है, कोई कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, कुछ दिखाई नहीं। अबे हट, तू क्या कर रहा है ये, तू भी तो मोबाइल यूज कर रहा है। अबे यूज नहीं कर रहा, यूज करवा रहा हूँ तुझसे। चल बे चल निकल। अबे नमाज पढ़ी कौन कौन सी, नमाज पढ़ी जल्दी बता, मैं बता रहा हूँ। अबे नमाज का पता कौन कौन सी पढ़ी जल्दी बता। अबे फजर पढ़ी, हाँ जोर पढ़ी, नहीं पढ़ी होगी, झूठ बोल रहा है, झूठ सच बोल रहा हूँ बेटा। किसी दिन तेरी छुट्टी कराऊंगा, भैया के साथ अपने साथ रखूंगा, सारी नमाजें पढ़ाऊंगा, कुरान शरीफ भी पढ़ाऊंगा। चल भाग यहाँ से। एक और बंदा कहाँ है, एक और महाराजा कहाँ है, कहाँ है वो महाराजा? अच्छा उस महाराजा पूछते पढ़ी नहीं पढ़ी, किधर है महाराजा? ओ महाराजा
डमांडस तो बोलो सारी नमाजें पढ़ी, तुमने पढ़ी नमाजें? पढ़ी है भाई, अभी अभी मैं पढ़ी है असर की नमाज। सारी पढ़ी है जो भी, तीन नमाज हुई है? पढ़ी है फजर की, पढ़ी है मैंने जोर की भी, पढ़ी है असर की भी, पढ़ी है अभी मगरिब की, पढ़ेंगे रोजा खोलने के बाद इंशाल्लाह। यस, और कुरान शरीफ भी। रोजा तो नहीं लग रहा, भूख भूख डोली लगी, प्यास व्यास। अबे कोल्ड ड्रिंक, ओए कोल्ड ड्रिंक रखी है यहाँ पर, पी लो। ये तुमने रात में रखी होगी और सुबह तुमने ये खा? दो दिन पहले की है। झूठ बेटा झूठ, रोजे में झूठ नहीं बोल, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे। वैसे ये देखो देखो, रोजे की बहुत ही खास बात है कि रोजे में ना आपने झूठ नहीं बोलना, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, तीसरा गाली गलौज नहीं करना, चौथा सबकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है? और मतलब इसकी तरह और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स आ जाएंगे जो कि रोजे के हालत में करने होते हैं, और मतलब कि आपको करने हैं ताकि आपका रोजा जो है ना वो रोजा लगे, ना कि ये फाका लगे। मतलब एक फाका होता है कि आप फजूल में आप रोजा रखा हुआ है, मतलब आपने मतलब कि आप कुछ खा पी नहीं रहे और आप बस मस्तियां कर रहे हो, मर्जी जो भी कर रहे हो, किसी को कुछ भी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो फाका हो गया। लेकिन रोज़ा जो है ना वो बिल्कुल एहतमाम और तमीज़ से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के दायरे में रह के करना, वो रोज़ा है। तो भाई रोज़ा खोलने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा है और दस्ता खान जो है वो अभी से बिछना शुरू हो गया है। रोज खाने पे भाई उधर बैठ ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा कोई। ये ट्रे बन गई है भाई, नीचे चौकीदारों के लिए, पकड़ो या मैं पकड़ूं? या आपको पकड़ना? नहीं मैं पकड़ूं। दोनों हाथों से मत दियो, गिरा मत दियो, बस आराम से। अगर आपके घर के नीचे या आपके बिल्डिंग के नीचे जो लोगों का रोजा होता है ना, तो आप उनको अफ्तार लाजमी कराएं। तो यस, तो हम लोग तो पूरे के पूरे 30 दिन नीचे भिजवाते हैं, तो आप लोग भी भिजवाया करें यहाँ, सही है? प्लीज ये कर लें। एक तो मुझे इतनी बड़ी चपत ना आई, मैं 12 पसलियों में। अबे खैर, एक तो आपको नेकी मिलेगी, दूसरा जो उस बंदे ने रोजा रखा होगा ना उसका सवाब भी आपको मिलेगा, क्योंकि रमजान जो है ना वो नेकियों का भी एक मंथ है, ठीक है? तो जितनी नेकी करोगे ना डबल डबल नेकी मिलेगी, डबल डबल। तो नेकी करते जाओ, अपने गुनाहों को माफ कराते जाओ, सारे मिलकर खा लें, ठीक है? बारी है भाई अब सिर्फ रोजा खोलने के, रोजे में रह गए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और बासिल पापा और बासिल की मम्मा एक साथ रोजा खोलेंगे आज फॉर द फर्स्ट टाइम। बासिल सिर्फ देखेगा कि ये लोग कितनी सारी चीजें खा क्या रहे हैं, वो कैसे खा रहे हैं एक साथ, भाई एक साथ कैसे खा लेते हैं ये लोग सारी चीजें। बासिल जब बड़े हो गए जब समझ आएगा आपको कि हमने रोजा रखा था और हमें बड़ी भूख लग रही है। जल्दी जल्दी बैठ गए और अजान हो गई, तो मैंने तो कोई कटोरी प्लेट बनाई नहीं अपनी, तो ये सबा की प्लेट बनी हुई है और सबा जो है वो यहाँ पर नहीं है। अचानक से बेबी उठ गया था तो वो बेबी को सुलाने चले गई। अब इस तरह की हमारी अफ्तारियाँ हुई करेंगी कि बेबी अगर उठेगा तो फिर सबा उसके साथ हुई करेगी। मैं मुन्ना क्या हुआ, मैं मुन्ने को नहीं चंगा अम्मा का चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा खा लो। अच्छा जूझ देते उसको थोड़ा सा। इन दी एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज हमारे साथ खाने में क्या क्या था। आपका आई थिंक सो रोज़ा होगा, तो प्लीज़ कंट्रोल करना अपने और फिर अपनी इफ्तारी बना के खा लेना। पकोड़ा थे मिक्स, समोसा था, चीज़ बॉल था, हलीम है, दही बड़े हैं, फुल्कियाँ हैं, आलू की चाट है और छोले, बाकी तो फ्रूट्स हैं। बाकी हाँ ये छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ नहीं, छोटी छोटी सी, मतलब एक सैंडविच वगैरह नहीं है, बर्गर वगैरह नहीं है, बस घर की चीज़ें ही हैं, कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं आई, सिर्फ हलीम बाहर से आई। तो भाई मैं तो खा लिया है, अभी जैसे जैसे लोग खा देंगे वैसे वैसे उठते जाएंगे, जैसे कि सहरी में हुआ था। फाइनली मगरिब पढ़ ली है, ये लोग क्या कर रहे हैं अफ्तारी पे, कौन कौन है? अरे सब अभी तक अफ्तारी बैठी भी? ओ भाई क्या हो रहा है? अरे मुझे कुछ ऑर्डर करना था। हाँ हाँ हाँ, अभी तक सेविंग हो रही है, सेविंग और दे, चलो करो करो भाई। ये अब ग्रोसरी वगैरह पे शायद शॉपिंग कर रही है और वहाँ से सेविंग कर रही है। तो इस व्लॉग को भी फिर इधर से एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा व्लॉग को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट मस्ट कर दो। आज की रूटीन तो हमने प्रॉपरली मैंने दिखा दी है भाई क्या क्या होता है, लेकिन कल से जो है ना, कल से वो थोड़ी सी चेंज रूटीन करेंगे, फिर परसों थोड़ी चेंज करेंगे, फिर रूटीन में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तो बिल्कुल ही ना अचानक से रमज़ान आ गए थे तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया था सब कुछ ना, मतलब जो प्लानिंग होती है, क्योंकि मेरी प्लानिंग ये थी कि भाई परसों रमज़ान होगा लेकिन कल आ गया, तो चलो कोई नहीं। तो इस व्लॉग को उम्मीद आपको पसंद आया होगा, तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक मस्ट करना है, मस्ट तो लाइक करें, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। हाथ चिकने हो रहे थे। टमाटर ने शरबत गिरा दिया पूरा।
ये तो होता ही है। सबसे पहला कांड टमाटर ने किया, पहले रोजे का कांड।